इन दिनों देश भर में चुनाव का माहौल चल रहा है। हाल ही में चुनाव आयोग ने 2019 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 1 अप्रैल से वोटिंग शुरू होगी और 23 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। वहीं इसी बीच बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं। चुनाव के माहौल में इन फिल्मों की लाइमलाइट कम हो जाएगी। टीवी पर फिल्मों के प्रचार से ज़्यादा इलेक्शन की खबरें चलेंगी और प्रमोशन इवेंट से ज़्यादा चुनावी रैली देखेंगे। ऐसे में आने वाली फिल्मों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आगे जाने इस दौरान कौन सी वह फिल्में हैं जिन्हें उठाना पड़ सकता है बड़ा नुकसान। जंगली, विद्युत जामवाल की ये फिल्म बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। इस फिल्म को काफ़ी वक्त से टाला जा रहा है। इसे चर्चाओं में बनाए रखने के लिए मेकर्स नए नए पोस्टर शेयर करते रहते हैं। ये फिल्म पहले 19 अक्टूबर 2018 को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन इसकी रिलीज़ डेट बढ़कर 5 अप्रैल 2019 कर दी गई। रो, वहीं इसी बीच आ रही जॉन अब्राहम की फिल्म रोमियो अकबर वॉल्टर। भारतीय जासूस पर बनी ये फिल्म जॉन अब्राहम के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। ये एक्शन थ्रिलर फिल्म रोबी गरेवाल ने डायरेक्ट की है। फिल्म में जॉन के अलावा मौनी रॉय और जैकी श्रॉफ जैसे स्टार नजर आएंगे। ये फिल्म भी 5 अप्रैल 2019 को रिलीज़ की जाएगी। कलंक, ये फिल्म करण जौहर की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। इसकी स्टार कास्ट, कहानी और भव्य सेट्स पर लाखों करोड़ों का खर्चा किया गया है। इस फिल्म में वरुण धवन, आलिया भट्ट, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, आदित्य रॉय कपूर और सोनाक्षी सिन्हा नजर आएंगी। इस फिल्म पर लगभग 100 करोड़ का खर्चा किया गया है। यह फिल्म 17 अप्रैल 2019 को रिलीज़ होने वाली है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, टाइगर श्रॉफ, अनन्या पांडे और तारा सुतारिया स्टार है। ये फिल्म भी करण जौहर की बड़ी फिल्म है। इस फिल्म के लिए काफ़ी बजट लगा है और इस फिल्म के जरिए दांव पर लगा है डेब्यूटेंट अनन्या पांडे और तारा सुतारिया का करियर। इस फिल्म की रिलीज डेट 10 मई 2019 रखी गई है। दे दे प्यार दे, अजय देवगन की ये मोस्ट अवेटेड रोमांटिक कॉमेडी फिल्म भी बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। लव रंजन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अजय देवगन के साथ तब्बू भी नज़र आने वाली हैं। इस फिल्म का हिस्सा एक्ट्रेस रकुल प्रीत भी होंगी। इस फिल्म की रिलीज डेट 17 मई 2019 रखी गई है। इंडियाज मोस्ट वॉन्टेड, अर्जुन कपूर और अमृता पुरी स्टार है। ये फिल्म एक डिटेक्टिव थ्रिलर क्राइम फिल्म है। इस फिल्म का निर्देशन रेड के डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता कर रहे हैं। ये फिल्म अर्जुन कपूर के फैंस के लिए काफ़ी अहम है। फिल्म 24 मई 2019 को रिलीज़ होने वाली है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इन सब फिल्मों पे 2019 लोकसभा चुनाव का असर पड़ेगा या नहीं। वैसे वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही नई खबरें के लिए।